वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है, नर्व सिस्टम। तो नर्व सिस्टम में अपन ने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था, आज अपन नर्व सिस्टम के बारे में, इंटीरियर ऑफ द सेरेब्रम के बारे में क्या अपन आज डिस्कस करेंगे। आज का अपना टॉपिक क्या है, इंटीरियर ऑफ द सेरिब्रम। इंटीरियर ऑफ सेरिब्रम में क्या होता है, द सरफेस ऑफ द सेरिब्रम कॉर्टेक्स इज कंपोज्ड ऑफ ग्रे मैटर। जो सरफेस है किसकी, सेरिब्रल कॉर्टेक्स की, वो किस चीज से मिलती है, इज कंपोज्ड ऑफ ग्रे मैटर। ठीक है, नर्व सेल बॉडीज, ग्रे मैटर और नर्व सेल बॉडीज से क्या है, ये चीज बनती है। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है वो किससे बनता है, ग्रे मैटर से या फिर नर्व सेल बॉडीज से क्या है, ये कंपोज होता है। विद इन द सेरिब्रम द लोब्स आर कनेक्टेड बाई मास ऑफ नर्व फाइबर्स और ट्रेक विच मेक अप द व्हाइट मैटर ऑफ द ब्रेन। जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम के अंदर जो लोब हैं, जो लोब प्रेजेंट होते हैं वो किससे कनेक्ट होते हैं, मास नर्व फाइबर के द्वारा क्या है वो कनेक्ट होते हैं, और ट्रेक के द्वारा क्या है वो कनेक्ट होते हैं। मास नर्व फाइबर और ट्रेक के द्वारा क्या है वो कनेक्ट होते हैं आपस में एक दूसरे से, विच मेकअप द व्हाइट मैटर ऑफ द ब्रेन, और वो क्या बनाते हैं, व्हाइट मैटर ऑफ द ब्रेन बनाते हैं। द अफरेंट एंड डिफरेंट फाइबर लिंकिंग द डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर फॉलोइंग। जो अफरेंट और डिफरेंट फाइबर हैं, जो क्या होते हैं, लिंक होते हैं किससे, डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से, वो क्या है, लेंगे वो अपन। तो इंटीरियर ऑफ द सेरिब्रम की बात करें तो इंटीरियर में क्या होता है, द सरफेस ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज कंपोज्ड ऑफ ग्रे मैटर। जो सरफेस है किसका, सेरिब्रल कॉर्टेक्स का, वो किससे बनता है, ग्रे मैटर से बनता है। विद इन द सेरिब्रम द लोब आर कनेक्टेड बाई मास ऑफ नर्व फाइबर, किससे बनता है, मास ऑफ नर्व फाइबर से, विच मेकअप द व्हाइट मैटर ऑफ द ब्रेन, क्या बनाते हैं, व्हाइट मैटर ऑफ द ब्रेन। द अपरेंट एंड डिफरेंट फाइबर लिंकिंग द डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो अपरेंट और डिफरेंट जो है वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट से क्या है, पार्ट से क्या है, लिंकिंग, लिंक होते हैं एक दूसरे से, कनेक्ट होते हैं, तो वो किस प्रकार होते हैं, फर्स्ट क्या है अपना, एसोसिएशन फाइबर कनेक्ट डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर बाई एक्सटेंडिंग फ्रॉम वन टू अनदर, सम ऑफ विच आर एडजेसेंट एंड सम डिस्टेंस। इसमें क्या होता है, एसोसिएशन फाइबर कनेक्टेड, कनेक्ट डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर, किसके साथ कनेक्ट रहता है, डिफरेंट पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर के साथ क्या कनेक्ट रहता है, किसके द्वारा, बाई एक्सटेंडिंग फ्रॉम वन ग्लूरियस टू अनदर, सम ऑफ विच आर एग्जिस्ट एंड सम डिस्टेंट। नेक्स्ट है कमर्शियल फाइबर कनेक्टेड कोरिस्पॉन्डिंग एरियाज ऑफ द टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर, द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट कमर्शियल इज द कॉर्पस कैलोजम। थर्ड है प्रोजेक्शन फाइबर कनेक्ट द फाइब्रल कॉर्टेक्स विद ग्रे मैटर ऑफ लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड विद द स्पाइनल कॉर्ड, एग्जाम्पल इंटरनल कैप्सूल। तो फर्स्ट क्या है अपना,
एसोसिएशन फाइबर कनेक्ट डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर बाय एक्सटेंडिंग फ्रॉम वन ग्लूरियस टू अनदर, सम ऑफ विच आर एडजेसेंट एंड सम डिस्टेंट। इसके द्वारा कनेक्ट रहता है डिफरेंट पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर के द्वारा क्या है ये कनेक्ट रहता है। सेकेंड क्या है, सेकेंड जो अपना कमर्शियल फाइबर है वो किसके द्वारा कनेक्ट रहता है, कोरिस्पोंडिंग एरिया ऑफ द टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर, जो टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर है उनके द्वारा क्या है कनेक्ट रहता है। थर्ड अपना प्रोजेक्शन फाइबर, प्रोजेक्शन फाइबर किससे कनेक्ट रहता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स के साथ, विद किसके साथ क्या रहता है, ग्रे मैटर और ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन। ग्रे मैटर रहेगा कहाँ से आएगा वो ग्रे मैटर, लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन से एंड विद द स्पाइनल कॉर्ड। एग्जाम्पल क्या है इसका, इंटरनल कैप्सूल। द इंटरनल कैप्सूल इज एन इम्पोर्टेंट एरिया कंसिस्टिंग ऑफ ए प्रोजेक्शन फाइबर। जो इंटरनल कैप्सूल है वो क्या है, इज एन इम्पोर्टेंट एरिया कंसिस्टिंग ऑफ ए प्रोजेक्शन फाइबर। नेक्स्ट है, इट लाइज डीप विद इन द ब्रेन बिटवीन द बेसल न्यूक्लियाई एंड द थैलेमस। इट लाइज डीप विद इन द ब्रेन बिटवीन द बेसल न्यूक्लियाई एंड द थैलेमस। कहाँ पे रहता है, ब्रेन के डीप में रहता है, बीच में, बिटवीन द बेसल न्यूक्लियाई और द एंड द थैलेमस। Many nerve impulses passing to and from the cerebral cortex are carried by fibers that form the internal capsule. बहुत सारी nerve impulses है क्या वो passing होते हैं to and the form the cerebral cortex are carried by fibers that form the internal capsule. Motor fiber within the internal capsule form the pyramidal tract that cross over at the medulla oblongata. तो जो इंटरनल कैप्सूल है वो क्या है, इंटरनल कैप्सूल इज ए इंपॉर्टेंट एरिया कंसिस्ट ऑफ प्रोजेक्शन फाइबर। क्या बनाता है प्रोजेक्शन फाइबर, इट लाइज कहां पे रहता है, डीप विद इन द ब्रेन बिटवीन द बेसल न्यूक्लियाई एंड द थैलेमस। थर्ड पॉइंट अपना क्या है, मैनी नर्व इंपल्स पासिंग टू ए टू एंड फ्रॉम द सेरेब्रल कॉर्टेक्स आर कैरिड बाय फाइबर दैट फ्रॉम द इंटरनल कैप्सूल। नेक्स्ट अपना है, मोटर फाइबर विद इन द इंटरनल कैप्सूल फ्रॉम द पिरामिडल ट्रैक दैट क्रॉस ओवर एट द मेडुला ऑब्लोगेटा।
नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ द सेरेब्रम। सेरेब्रम के फंक्शन क्या क्या है? देयर आर थ्री मेन वेराइटीज ऑफ एक्टिविटी एसोसिएटेड विद द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तीन जो है मुख्य है। सबसे पहले क्या है? मेंटल एक्टिविटीज। मेंटल एक्टिविटीज में क्या क्या इन्वॉल्व है? मेंटल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व इन मेमोरी, इंटेलिजेंस, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, थिंकिंग, रीजनिंग, मॉरल सेंस एंड लर्निंग आर एट्रिब्यूटेड टू द हायर सेंटर। सबसे पहले क्या है अपना? मेंटल एक्टिविटी। मेंटल एक्टिविटी में क्या क्या चीजें आती हैं? मेमोरी आती है, अपना इंटेलिजेंस पावर आता है, अपना सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, ठीक है, अपनी थिंकिंग आती है, अपनी रीजनिंग आती है, मॉरल सेंस, लर्निंग, ठीक है, ये सारी की सारी किस में आती है? अपनी मेंटल एक्टिविटीज में। देन आफ्टर अपना आता है सेंसरी। सेंसरी के अंदर क्या है? पेन है, टेम्परेचर है, टच है, साइट है, हियरिंग है, टेस्ट है, स्मेल है, ये किस में आते हैं? अपने सेंसरी में आएंगे। नेक्स्ट अपना क्या है? वॉलेंट्री कंट्रोल। वॉलेंट्री कंट्रोल में क्या आती है? मसल्स का जो कॉन्ट्रेक्शन होता है वो किस में आती है? अपनी वॉलेंट्री कंट्रोल में। तो जो मेन फंक्शन है वो कौन से हैं? मेंटल एक्टिविटीज, सेंसरी और इन और कंट्रोल ऑफ द स्केलेटन। तो मेंटल एक्टिविटीज में क्या क्या इन्वॉल्व है? इंटेलिजेंस हो गया, अपना सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, थिंकिंग हो गया, रीजनिंग हो गया, मॉरल सेंस हो गया, लर्निंग, ठीक है, ये सारी सारी किस में आती हैं? मेंटल एक्टिविटीज में आएंगी। सेंसरी के अंदर क्या आएंगी? पेन है, टेम्परेचर है, टच है, साइट है, हियरिंग है, टेस्ट है, स्मेल है, ये किस में आएंगी? सेंसरी में आएंगी। और जो स्केलेटल है उसके अंदर क्या आएंगी? वॉलेंट्री मसल्स कॉन्ट्रेक्शन जो है वो अपना इसमें आएगा। तो ये क्या है? तीन मेन फंक्शन है वेराइटिकल्स। नेक्स्ट है फंक्शनल एरिया ऑफ द सेरेब्रम। फंक्शनल एरिया कौन से हैं? द मेन एरिया ऑफ द सेरेब्रम एसोसिएटेड विद द सेंसरी एंड वॉलेंट्री मोटर एक्टिविटी आर नोन द मेन एरिया ऑफ द सेरेब्रम एसोसिएटेड विद द सेंसरी participation and voluntary motor activity are known, but it is unlikely that any area is associated with only one function. Where especially maintain the different areas activities both in both hemisphere. तो जो main area है वो कौन से हैं? Sensory, voluntary, ठीक है, ये क्या है इसके मैन एरिया है।
सबसे पहला क्या है अपना, मोटर एरिया ऑफ द सेरिब्रम। द मोटर एरिया इज लाइज इन द फ्रंटल लोब इमीडिएटली एंटीरियर टू द सेंट्रल सुलेस। कहां पे रहता है? एंटीरियर ऑफ द सेंट्रल सुलेस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द सेल बॉडीज आर पिरामिड शेप बीट सेल एंड दे इनिशिएट द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल्स। जो सेल बॉडीज है वो उनका शेप कैसा होता है? पिरामिड शेप होता है और दे इनिशिएट द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल्स। ए नर्व फाइबर होम ऑफ पिरामिड शेप सेल पास डाउनवर्ड थ्रू द इंटरनल कैप्सूल टू द मेडुला ऑब्लिगेटा वेयर इट क्रॉस टू द अपोजिट साइड देन डिसेंड इन द स्पाइनल कॉर्ड। जो नर्व फाइबर है वो क्या है? बीट सेल पास डाउनवर्ड थ्रू द इंटरनल कैप्सूल टू द मेडुला ऑब्लिगेटा वेयर इट क्रॉस टू द अपोजिट साइड देन डिसेंड इन द स्पाइनल कॉर्ड। एट द एप्रोप्रिएट लेवल इन द स्पाइनल कॉर्ड द नर्व इम्पल्स क्रॉस ए सिनेप्स टू द स्टिमुलेट ए सेकेंड नर्व न्यूरोन विद टर्मिनेट एट द मोटर एंड प्लेट ऑफ द मसल्स फाइबर। एट द अप्रोप्रिएट लेवल, एक जो अप्रोप्रिएट लेवल है वहाँ पे इन द स्पाइनल कॉर्ड द नर्व इम्पल्स क्रॉस, नर्व इम्पल्स क्या क्रॉस होंगी, स्नैप्स टू स्टिमुलेट ए सेकेंड न्यूरोन, और वहाँ पे क्या होगा, स्टिमुलेट होगा सेकेंड न्यूरोन विच ट्रांसमिट एट द मोटर एंड, वो क्या करेगा, टर्मिनेट्स एट द मोटर एंड प्लेट ऑफ द मसल्स फाइबर। द मोटर एरिया लाइज इन द फ्रंटल लोब, ठीक है, कहाँ पे रहता है, फ्रंटल लोब में रहता है। द सेंट्रल बॉडीज आर पिरामिड शेप, सेंट्रल बॉडी कैसी होती है, द सेल बॉडीज कैसी होती हैं, पिरामिड शेप की होती हैं, ठीक है, इसका से बीट सेल बोलते हैं इनको, एंड दे इनिशिएट द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स। और क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन होता है कहाँ पे, स्केलेटल मसल्स में। ए नर्व फाइबर फॉर्म ए बीट सेल पास डाउनवर्ड थ्रू द इंटरनल कैप्सूल टू द मेडुला ऑब्लिगेटा वेयर इट क्रॉस टू द अपोजिट साइड देन डिसेंड इन द स्पाइनल कॉर्ड। जो एक नर्व फाइबर है वो क्या होगा, नर्व फाइबर फॉर्म में बीट सेल पास डाउनवर्ड की तरफ होगा थ्रू द इंटरनल कैप्सूल, किसके द्वारा, इंटरनल कैप्सूल के द्वारा, टू द मेडुला ऑब्लिगेटा, और क्या होगा, किसके द्वारा, मेडुला ऑब्लिगेटा के द्वारा, वेयर, जहां पे क्या होगा, इट क्रॉस टू द अपोजिट साइड देन डिसेंड इन द स्पाइनल कॉर्ड। At the appropriate level in the spinal cord, the nerve impulse crosses a synapse to stimulate a second neuron, which transmit at the motor end plate of the muscles fiber. The means that the motor area of the right hemisphere of the cerebral control voluntary muscles movement on the left side of the body and vice versa. The main mean that the motor area of right hemisphere, जो right side का hemisphere है, वो क्या है? Of the cerebral controls voluntary muscles movement on the left side of the body and vice versa. The neuron with its cell bodies in the cerebrum is the upper motor neuron and the
अदर विद इट्स सेल बॉडीज इन द स्पाइनल कॉर्ड इज द लोअर मोटर न्यूरॉन. डैमेज टू आइदर ऑफ दीज न्यूरॉन्स में रिजल्ट इन पैरालिसिस. क्या होता है इसमें, द मीन्स दैट द मोटर एरिया ऑफ द राइट हेमिस्फेयर ऑफ सेरिब्रम कंट्रोल वॉलेंट्री मसल्स मूवमेंट. क्या होगा, कंट्रोल होगा किस पे, वॉलेंट्री मसल्स मूवमेंट पे. ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, किस कौन सी साइड में, लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी पे. द न्यूरोन विद द सेल बॉडीज इन द सेरिब्रम इज द अपर मोटर न्यूरोन एंड द अदर विद इट सेल बॉडीज इन द स्पाइनल कॉर्ड इज द लोअर मोटर न्यूरोन. डैमेज द आइदर ऑफ द न्यूरॉन्स में रिजल्ट इन पैरालिसिस. अगर न्यूरॉन्स डैमेज हो गए तो उस कंडीशन में क्या होगा, पैरालिसिस की कंडीशन डेवलप हो जाएगी. इन द मोटर एरिया ऑफ द सेरिब्रम द बॉडी इज रिप्रेजेंटेड अपसाइड डाउन लाइज द सेल नियरेस्ट द वर्टेक्स कंट्रोल द फिट एंड दोज इन द लोएस्ट पार्ट कंट्रोल द हेड नेक फेस एंड फिंगर. जो अपना मोटर एरिया है, इन द मोटर एरिया ऑफ द सेरिब्रम, जो सेरिब्रम का मोटर एरिया है, द बॉडी इज रिप्रेजेंटेड अपसाइड डाउन. वो वहां से क्या होता है, रिप्रेजेंट करती है अपसाइड डाउन. Lies the cell nearest the vertex control the feet and those in the lowest part control the head, neck, face and finger. Vertex control किस पे करता है, lowest part. Lowest part में क्या अपना, head, neck, face and finger. The size of the area of the vertex cortex representing different part of the body are proportional to the कॉम्प्लेक्सली ऑफ मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट नॉट टू द इट साइज. ए सो दैट इज कंप्रेशन विद द ट्रंक द हैंड फुट ट्रंक एंड लिप्स आर रिप्रेजेंटेड बाई लार्ज कॉर्टिकल एरियाज. तो जब अपना मोटर एरिया है, मोटर एरिया में क्या होता है, द मोटर एरिया सेरिब्रल द बॉडी इज रिप्रेजेंटेड अपसाइड डाउन लाइक इन द सेल नियरेस्ट द वर्टिक्स कंट्रोल द फिट एंड दोज इन द लोएस्ट पार्ट कंट्रोल द हेड नेक फेस एंड द फिंगर. द साइज ऑफ द एरिया ऑफ कॉर्टेक्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी आर प्रोपोर्शनल टू कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट नॉट टू इट्स साइज. सो दैट इन कंप्रेशन विद द ट्रंक द हैंड फुट ट्रंक एंड लिप आर रिप्रेजेंटेड बाई लार्ज कॉर्टेक्स एरिया. तो जो अपना नेक्स्ट लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर किस पे होगा, जो अपना प्री मोटर एरिया है, प्री मोटर एरिया पे अपना क्या है, नेक्स्ट लेक्चर होगा. थैंक्स टू ऑल.